सो हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हो। गैस तो गैस आज मैं करने वाला हूँ कुछ इस तरीके का फोटो एडिटिंग, जो कि बहुत खास एडिटिंग होने वाला है। सो गैस आप भी चाहते हो कुछ इस तरीके का फोटो एडिटिंग करने के लिए, तो हमारे वीडियो में बने रहना और वीडियो को मिस मत करना। अगर आप न्यू हो, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लो और साथ ही इस घंटे को प्रेस करना, ताकि मैं जब वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। तो चलो गैस स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। लेट्स गो। तो गाइस चलते हैं पिक्सार तरफ और पिक्सार ऑन करते हैं। तो ज़्यादा टाइम आपको नहीं वेस्ट करना है, बहुत कम टाइम में आप अच्छे तरीके से फोटो एडिटिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ऑनली पिक्सार में ही मैं एडिट करके आपको बताऊंगा कैसे आप एडिट कर सकते हो, ठीक है। तो चलो पिक्सार ओपन कर लेते हैं। तो पिक्सार ओपन करने के बाद क्या करना है गाइस, मैं सारा चीज़ बताऊँगा अच्छे तरीके से। तो बहुत सिंपल सा एडिटिंग है और बहुत टाइम कम टाइम में अच्छा खासा एडिटिंग कर सकते हो। तो गाइस पिक्सार ओपन करने के बाद क्या करना है, आपको यहाँ प्लस के आइकन पर क्लिक करके अपनी फ़ोटो को ऐड करनी है। तो जब चलते अपने फाइल में, तो हमारा जो फ़ोटो है ये वाली फ़ोटो है, ठीक है। तो कोई भी अपने फ़ोटो को ऐसे क्लिक करवा लेनी है, ठीक है। कुछ भी अपने पोज में ऐसे जो पीछे का बैकग्राउंड है ओनली ग्रीन होना चाहिए, ठीक है, तभी आपका फ़ोटो कुछ कलर बन सकता है, ठीक है। तो जैसे आपको कलर करना है वैसे आप कर सकते हो। तो चलो करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको यहाँ इफेक्ट में जाना है, और इफेक्ट में जाने के बाद, ठीक है, आपको यहाँ पे देखो ये वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे कि आप क्लिक करोगे तो आपको ऐसे आएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखो कलर्स लिखा हुआ है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे इस पर क्लिक करना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये ऑप्शन आ जाती है, ठीक है। जिस पर आप इस टच करोगे वहाँ पर आपको वो, जैसे आपको ग्रीन वाली जो बैकग्राउंड है आपको चेंज करना है, ठीक है। तो हम उसमें ग्रीन यहाँ से सेट कर लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे पूरा जो राउंडिंग यहाँ पे दिख रहा है पूरा, उसमें ग्रीन कलर आ गया है, तो इसे हम क्लिक करके हटा देंगे, ठीक है। तो वैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ, आपको दिखाता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पे ब्लू इफेक्ट बन चुका है पीछे बैकग्राउंड में, ज़्यादा कुछ नहीं किए, बस ऐसे टच किए हो गया। आप क्या चाहते हो कि आपको मतलब कुछ यहाँ पे कलर ये कलर नहीं रखना है, ठीक है, अलग कलर रखना है। तो यहाँ देख सकते हो यहाँ बहुत सारा कलर है, देखो चेंज हो रहा है, जैसे कि हमको ये वाली कलर रखना है, ठीक है। तो देख सकते हो देखो कितना बेहतरीन, बहुत सिंपल सा है एडिट, कितना अच्छे से मतलब हो गया है गाइस। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया, ऐसे क्लिक किए ऑटोमेटिक ये हो गया। तो ये वाली जो कलर है बहुत ज़्यादा मतलब इंस्टाग्राम पे चल रही है, और बहुत ज़्यादा इसका एडिटिंग भी बहुत अच्छा खासा लगता है और मस्त वही लगता है। तो जैसे कि मैंने ये वाली कर लिया, ठीक है। बहुत सारे सब कलर यहाँ से कर सकते हो, देखो जौन सी अभी रेड रखना है तो रेड भी रख सकते हो। देखो कुछ नहीं करना है, बस आपको एक जगह अपना टच कर देना है, उसका जो भी कलर आपको चॉइस करना है आप कर सकते हो। यहाँ पे रेड किया अब अभी आपको नहीं करना है, यहाँ पे येलो भी कर सकते हैं और ग्रीन भी कर सकते हैं, और यहाँ पे ये ब्लू थोड़ा डार्क ब्लू करना है तो भी कर सकते हो, देख सकते हो गाइस थोड़ा डार्क ब्लू, ठीक है। तो यहाँ सब कोई भी कलर कर सकते हो, ठीक है। तो वैसे में हमको ये वाली कलर कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ से कर लेते हैं डन। तो देख सकते हो गाइस कितना बेहतरीन लग रहा है। और ये करना है कुछ आपको कलर और मतलब इफेक्ट डालना है, तो आप यहाँ पे इफेक्ट में जाकर और इफेक्ट्स में आकर अब आपको यहाँ से एक कलर चॉइस कर लेंगे। तो देखो ये फ़ोटो किस टाइप को लग रही है, मस्त वाली, कहीं से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा है, एडिटिंग हो चुका है। तो देखो ये ली फ़ोटो और ये फ़ोटो कितना बेहतरीन लग रहा है। तो गाइस ये देख सकते हो बहुत सिंपल सा ट्रिप था और बहुत अच्छा, मतलब अब सीख भी गए होगे कैसे करना है और कैसे नहीं। तो गाइस अब इसको क्या करना है, आप सेव करना है, तो आपको ड्रा टूल में जाना है, और ड्रा टूल में जाने के बाद आपको यहाँ टिन डॉट पे क्लिक करने के बाद सेव इमेज पे क्लिक करके फ़ोटो कर लेनी है सेव। तो गाइस हमारा यहाँ फ़ोटो सेव हो जाएगा। तो गाइस आशा करता हूँ कि ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। तो गाइस ये भी बताना ये वाली टिप्स आपको कैसा लगा, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और गाइस फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ गाइस। ओके गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।